मुस्लिम लीग नून के सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, उनकी जानिब से जो है ये आप मनाजिर देख सकते हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के ये सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं जिनकी जानिब से तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू होने पर जो है खुशी का इजहार किया जा रहा है और वो खासे पुरजोश खासे खुश दिखाई दे रहे हैं तमाम मेंबरान। मुस्लिम लीग नून के मेंबरान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, बड़ी तादाद में निजी होटल में ये मौजूद हैं मेंबरान और मुस्लिम लीग नून के सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के आगाज़ के बाद उनकी जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं नारेबाजी की जा रही है। लाहौर के स्विस होटल में ये मुस्लिम लीग नून की सूबाई असेंबली के कारकुनान जमा हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर आप देख सकते हैं, उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है। दीगर जो रहनुमा अजमा बुखारी भी वहाँ पर मौजूद हैं, हिना बट भी मौजूद हैं, दीगर मेंबरान असेंबली सूबाई असेंबली वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है। ख्वाजा इमरान को आप देख सकते हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं जिसके जवाब में बाकी मेंबरान भी नारे लगा रहे हैं और उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। एक बारी फेर शेर के नारे लगाए जा रहे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून का एक नारा है, उनकी जानिब से जब भी खुशी का इजहार किया जाता है, जब भी उनकी पार्टी बसर इक्तदार आने लगती है खास करके, उस वक्त वो एक बारी फेर शेर का नारा भी लगाते हैं। शादाब साहब, शेर एक बारी फेर शेर के नारे लगाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, आपको आता नजर आ रहा है शेर एक बारी फेर? देखिए इसमें एक चीज तो, ये जो मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं ये तकरीबन 200 के करीब हैं, पौने 200 के करीब हैं जो इस वक्त इस होटल में मौजूद हैं और काफी दिनों से ये यहाँ पे मौजूद है। पंजाब असेंबली में भी जो मामला चल रहा है उसके लिए ये वोटिंग के लिए मौजूद है। अब तहरीके अदम एतमाद पे वोटिंग हो रही है और वजीर आजम साहब जो है वो हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के बनीगाला मुंतकिल हो चुके हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं बजाहिर इस चीज पे जा रही हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब होगी, और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो जो पंजाब में वजीर आला पंजाब का इंतखाब है, जहां पर हमजा शहबाज उम्मीदवार हैं अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले पे चौधरी परवेज लाई साहब हैं और उनका जो इनके ये मद्दे मुकाबले हैं चौधरी परवेज लाई साहब की जो है पीटीआई जो है और वजीर आजम साहब ने उनको नॉमिनेट किया था, तो यकीनन इनको जो कौमी असेंबली में तो जो होगा वो होगा। इस सिचुएशन के अंदर उन इन एमपीएस को इन अरकान के सब पंजाब असेंबली को नजर आ रहा है कि पंजाब में भी सिचुएशन चेंज होगी। अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है तो यकीनन एन मुमकिन है कि चौधरी परवेज लाई साहब विड्रॉ कर दें या कोई मतलब इस तरह की सिचुएशन हो, क्योंकि जब कोई पार्टी ताकत में होती है पावर में होती है तो उसके साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं, जब पावर में नहीं रहती, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है, वजीर आजम इमरान खान साहब पावर में नहीं रहते, तो इस सिचुएशन के अंदर ये इनकी पार्टी वीक होगी, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो इधर उधर वो जो शेल्टर क्लास करने की कोशिश करेंगे।